हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रोहित और स्वागत है आपका अपने चैनल रोहित म्यूजिक प्लेयर में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक सीजी सॉन्ग पे एक वीडियो था, गमछा गिरी गिरी जाए। काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को और कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें एक स्लो मोशन में समझाइएगा, तो फाइनली मैं वो वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पियानो केसेस रिलेटेड ऐसे वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। और आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप वो वीडियो देख लीजिए, पूरा इस म्यूजिक में हमने बना रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये गाने में जिन जिन स्वरों का उपयोग होता है, बटनों का मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंतरा मुखड़ा जो भी हम बजाएंगे, सारे गानों में 9 बटनों का उपयोग होना है इनका। तो आप ये बटन ध्यान में रखिएगा, तभी सीख पाएंगे। ये सारे गामों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, तो बटनों को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा प्ले करता हूँ मैं। चलिए रिदम के साथ। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको स्लो मोशन में सीखते हैं। सबसे पहले मैं एक उंगली से बजाता हूँ, देखिए। आप मेरी उंगलियों को फॉलो कीजिए, स्लो मौसम में मेरे साथ बजाने का प्रयास कीजिए। यदि आपके पास हारमोनियम है तो रख लीजिए, पियानो जो भी हो, तो आप जल्दी सीख पाएंगे। एक बार सुना है। इसको हल्का सा फ्रेश करना है थोड़ा सा, इसका वैसे ज़्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन उसमें और स्वर को बढ़िया क्लियर करने के लिए इसका उपयोग हमें करना पड़ता है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें चढ़ाव, देखिए। देखिए फिर से। एक उंगली से मैं आपको समझाने के लिए बताया है, आपको सारी उंगलियों से बजाना है। एक उंगली से तो संभव नहीं है कि हम इतना स्पीड बजा सकें। तो चलिए इसके बाद इसमें जो अंतरा लगता है वो हम सीखते हैं। इसके बाद म्यूजिक सीखेंगे, म्यूजिक में कैसे बजाना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको हल्का सा थोड़ा सा दबाना है। वैसे नहीं दबाएंगे तब भी वो बच जाएगा, लेकिन
फिर वही बात आ गई कि क्वालिटी के लिए थोड़ा सा। इसके बाद वही जो पहले बजता है, गमछा गिरी गिरी जाए, गमछा गिरी गिरी जाए, गिरी गिरी करंसिया की रोड में। चलिए इसके बाद म्यूजिक सीखते हैं, इसमें जो म्यूजिक बजा है एक बार रिदम के साथ। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको स्लो मोशन में सीखने का प्रयास करते हैं हम। देखिए यहाँ से शुरू होता है म्यूजिक, इसको दबा के रखना है एक उंगली से, और अंगूठे से इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। इसके बाद इसको देखिए एक उंगली से, इसके बाद जिस प्रकार हम इसको प्रेस करते थे उसी प्रकार इसको इसको दबा के रखें। देखिए ऐसा, फिर से देखिए आप इस तरह से, मैं जो कर रहा हूँ ये ना भी कर पाए तो भी बेहतर तरीके से आप बजा लेंगे। बाद में आप धीरे धीरे जब आपका उंगली इसमें जम जाएगा इसके बाद फिर आप इसको बजा पाएंगे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा, एक छोटा सा भाग क्यों ना हो आप ज़रूर सीखेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके मन में कोई सवाल हो, यदि कोई गाने पर फिर आपको सीखना है, बनवाना है, तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, जय हिंद, वंदे मातरम।